दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में शनिवार को सुझाव दिया कि देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल का मानना है कि 14 अप्रैल तक के लिए लागू 21 दिवसीय बंद की अवधि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाई जानी चाहिए। गुजरात में शनिवार को कोरोना वायरस के 54 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोविड 19 रोगियों की संख्या बढ़कर 432 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। प्रधान सचिव जयंती रवि ने कहा कि अहमदाबाद से 31 नए मामले, वडोदरा से 18, आनंद से 3 और सूरत और भावनगर जिलों से एक एक नया मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए बंद का सख्ती से पालन कराने के लिए गुजरात पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है, ताकि सख्ती से लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित किया जा सके। गांधीनगर के पुलिस उपाधीक्षक जीजी जसानी ने बताया कि बंद के दौरान लोगों के आवागमन पर नजर रखने के लिए राज्य भर में करीब 200 ड्रोन तैनात किए गए हैं। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी कि ड्रोन की मदद से राज्य भर में 7,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को बैठक की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव मांगे गए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने घर का बना मास्क लगाया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि घर का बना मास्क ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ ही कहा गया था कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क के अभाव में मुंह में गमछा भी लपेटा जा सकता है। इटली में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का भी बुरा हाल है। हालांकि प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कोंते ने कारोबारियों के दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। चीन के वुहान शहर से निकला घातक कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,00,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दुनिया के 193 देशों में 16,00,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से प्रभावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण देश में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 239 हो गई। अब तक 7,447 मामले सामने आए, इनमें से 6,565 एक्टिव, 643 लोग स्वस्थ हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इंदौर में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला समेत 3 और मरीजों की मौत की शनिवार को आधिकारिक पुष्टि की गई। इसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमण के बाद दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 30 पर पहुंची। शहर में अब तक 249 कोरोना संक्रमित मिले। राजस्थान में शनिवार सुबह कोरोना वायरस संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए, इनमें 14 कोटा के और 4 बीकानेर के। कोटा से दर्ज नए मामले संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित तेलघर और चंद्रघाट इलाकों में सामने आए। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 579 हुई। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन सख्त। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर जेपी मौर्य की तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को चेतावनी, अगर ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई तो उन पर हत्या या हत्या की कोशिश में दर्ज होगा केस।